मी 11X डिवाइस यानी पोको F3 के लिए अनदर यहाँ पे आ चुका है ऑक्सीजन OS का एक लेटेस्ट अपडेट जो कि मैं डाल रखा हूँ और ये लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे रन कर रहा है। बट यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, बैटरी ड्रॉप कैसा है, वो सारी जानकारी आपको दूंगा ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इसे डालना है या फिर इग्नोर करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिले इस डिवाइस से रिलेटेड, क्योंकि लंबे टाइम के बाद ये कमबैक हुआ है मेरे चैनल पर। सबसे पहले बात करें इसके अबाउट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन OS 15.0.1 और हमारे मेंटेनर का नेम। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके दो अपडेट आए हैं एक साथ, नंबर वगैरह सेम है, बस एक ऑक्सीजन OS है और एक कलर OS है। कलर OS हमारा चाइना वाला है और ऑक्सीजन OS हमारा ग्लोबल वाला है। तो चाइना वाले में आपको चाइना वाला लैंग्वेज देखने को मिलेगी कलर OS के साथ, जबकि ऑक्सीजन में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। बाकी सब कुछ 100% तो नहीं, फिर भी 80-90% आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या डालना है क्या नहीं, मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। बट मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ वो है हमारा ऑक्सीजन OS, जहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल वगैरह हमारा है, जो हार्डवेयर वगैरह, एंड्रॉयड वर्जन 15 देखने को मिलता है, 1 मैग आपको सिक्योरिटी पैच देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि सही है। बाकी यहाँ पे अदर चीज़ आपको दिखाई दे रही है। अनदर बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है इसका अपडेटर, जहाँ पे आपको कोई भी अपडेट अगर गलती से शो भी होता है ना तो दूर से ही नमस्ते करके निकल लेना, अदरवाइज वो आपको है जो बैंड बजा देगा अगर आप अपडेट कर लेते हो तो। ऐसे तो अभी तक अपडेट नहीं दिखाई देगा मुझे, ब्लॉक लगता है किया हुआ होगा, बट फिर भी मैं आपको सेफ्टी के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐप लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाता है, रीजन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ग्लोबल वाले हैं तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बैटरी वगैरह का डिटेल आपको यहाँ पर मिलता है, बैटरी हेल्थ हो यहाँ पे फॉल्स ही देखने को मिलेगा, हमेशा 100% ही शो करेगा, तो इसे इग्नोर मारो क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है ना कि ऑफिशियल स्टॉक वाला है। बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको वही फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट वगैरह आपको मिल जाता है जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग है। और जितने भी ऑक्सीजन OS कलर OS वगैरह जितने भी पोर्ट आते हैं सभी में शुरू से, चाहे वो डिवाइस कोई सा क्यों ना हो, फेस अनलॉक और बाकी सिक्योरिटी वाले कुछ चीज़ें डेड रहते हैं जैसे कि एप्स लॉक वगैरह। तो ये चीज़ के लिए उम्मीद भी मत रखना कि ये कभी मिलने वाला है, क्योंकि सालों से यही चलता हुआ आ रहा है हर एक डिवाइस के लिए। यहाँ पे स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे आपको वही बेसिक से ऑप्शंस मिलते हैं, परसेंटेज वगैरह का, स्टेटस बार वगैरह का, और बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट डे में भी आपको हल्का फुल्का स्टेटस लैग देखने को मिलेगा, लेकिन 1 डे यूज कर लेने के बाद इसमें स्मूथनेस रियल में इंप्रूव हो जाती है और देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से काम करता है। ऑटो ब्राइटनेस भी हमारा वर्किंग है, डार्क मोड वगैरह भी आपको वर्किंग मिल जाते हैं, इमेज शार्पनेस वगैरह आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो हाई पे सेट कर लेना अगर आपका बाय डिफॉल्ट नहीं देखने को मिलता है तो उसका स्मूथ आपका काम करेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बेसिक से सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, एनिमेशन वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, यानी इनहेंस आपका जो थोड़ा फास्ट होता है, स्टैंडर्ड थोड़ा हल्का स्लो रहता है एनिमेशन के मामले में, यानी ज़्यादा एनिमेशन आपको नजर आता है। राइट टू बैक है और यहाँ पे डबल टैप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना है जो किस तरीके से आपको रखना है, रिसेंट वाला टैप वो आपको देखने को मिलेगा। डबल टैप टू लॉक की बात करें तो ये हमारा वर्किंग है, लेकिन डबल टैप टू वेकअप की बात करें तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे जो देखने को नहीं मिली। अगर मैं इस तरीके से चेंज करता हूँ, फ्लिप करता हूँ, तो ये भी मुझे कुछ खास वर्किंग देखने को नहीं मिल रहा है भाई। तो आप इसके बारे में कमेंट करना कि आपका ये सही है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ ये मेरे साथ ही यहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह की, तो वो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लूटूथ वगैरह भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिलता है, वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आपको अलग अलग वॉलपेपर कलेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये आपके वर्किंग रहते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे AOD वगैरह है ना, उसे भी आप ऑन कर सकते हो और आपको ये वर्किंग देखने को मिल जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि ओके और सही वर्किंग रहता है, परफॉर्मेंस वगैरह आपको सही मिलता है इनके मामले में। लेकिन इसके बाद एक्चुअली हम बात करते हैं कि इस रोम को डालने का क्या रिजल्ट आता है हमारा, वो हम देखेंगे। और साथ साथ वॉलपेपर कलेक्शन यहाँ पे अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो या फिर अलग से डाल सकते हो। और 116 यहाँ पे आपको ये सारे वॉलपेपर की कैटेगरी देखने को मिलती है जो कि आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट वाले यूज कर सकते हो या फिर अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। यानी ह्यूज कलेक्शन आपको मिलता है वॉलपेपर का जो कि भाई आपको पसंद आने वाला है। बाकी 4 इधर है, 4 यहाँ पे भी 4 है, ये सारे 4, 8, 14 इस तरीके से वॉलपेपर कलेक्शन मिलते हैं जो कि ऑक्सीजन OS वाले हैं और डिफरेंट आपको 116 देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा जो है वो GCam आपको मिल जाता है जो कि आपका प्रॉपर काम करता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिफरेंट नीडी कैमरा जो डाल सकते हो, टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन दिया गया है जो कि आपके ब्लर लेवल को कंट्रोल करने का एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, तो आपको जो भी जैसा भी ब्लर रखना है इस तरीके से आपको जो यहाँ पे डॉक कस्टमाइजेशन है वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक सही है। तो आप देखो यहाँ पे मैं अगर ब्लर वगैरह करता हूँ, डिम वगैरह करता हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है सही और प्रॉपर मायने में।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो अपना कर सकते हो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, बट मुझे तो ज़्यादा ब्लर पसंद नहीं है, आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से एक्टिवेट कर लेना। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस और बाकी तो चीज़ों की, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखो कि बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे तीनों पास नहीं रहता, आपको फिक्स करना पड़ेगा। वन डे पहले ही मैंने वीडियो दिया कि इसे कैसे पास करना है, उसे चेक करके आप तीनों को फिक्स कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ साथ यहाँ पे बूट और लॉक का जो प्रूफ है वो भी आपका ऐड हो जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट करते ही, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, बट आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। और हाँ, ये पहले से आपको प्री रूटेड रहता है के एस यू नेक्स्ट आपका रहेगा, तो बस APK डालना है, आपको परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद आप सारे स्टेप फॉलो कर लेना कल का वीडियो देख के और इसे पास कर लेना, उसके बाद आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब रही बात यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे जैसे ही सेटअप हम कंप्लीट करते हैं इतने ही सिस्टम डिफॉल्ट ऐप आपको देखने को मिले हैं, गेम स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। डिवाइस बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड नहीं रहता लेकिन बाद में रहेगा, बाय डिफॉल्ट आपको अनलॉक भी शो करता है बूट ले लेकिन बाद में पास करने के बाद आपका है जो फिक्स हो जाता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी ड्रॉप, जो कि 92 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 80, जहाँ पे आप देखोगे कि 11% का बैटरी ड्रॉप हुआ है और ये मुझे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लगा है बाकी तो रोम के कंपैरिजन में, और यही एक रीज़न था जिसको इसमें इस रोम का रिव्यू इग्नोर मार रहा था, बट सोचा कि फिर कर ही देता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करने वाले कि यार वीडियो लेके आओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं। ठीक है, तो बैटरी ड्रॉप यहाँ पे मुझे बेसिकली ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पर अगर बात करें परफॉर्मेंस की, जो कि मोस्टली ऑक्सीजन ओएस के जितने भी मैंने चेक किए उन सभी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बट यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पे 3,21,000 मैक्स और मिनिमम 2,80,000 99 का टोटल परसेंटेज निकल के आता है, तो ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है बाकी दर डिवाइसेज के कंपेरिजन में। और साथ साथ अनटूटू स्कोर भी यार टॉप नॉच रिजल्ट शो करता है, जो कि अच्छा लगा। हीटिंग कंट्रोल भी ओनली 142 ही है, यहाँ पे गीकबेंच भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट शो करता है, इसमें दिक्कत नहीं आती, कैमरा वगैरह भी हमारा काम कर रहा है, 11 का सपोर्ट है और यहाँ पे आपको HDR 10 का भी सपोर्ट मिल जाता है, फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है तो इसमें भी दिक्कत नहीं आती, और गेमिंग के अंदर आपको एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम भी अनलॉक मिलता है, यानी हर एक इंपॉर्टेंट और नीडी फीचर्स यहाँ पे अनलॉक किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। साथ साथ कॉलिंग आपका वर्किंग है जियो 5G से और 5G रहते हुए कॉलिंग आपकी काम करती है, लेकिन वीडियो कॉल मैंने ट्राई किया और वीडियो कॉल में मुझे एरर देखने को मिला, कल से ट्राई कर रहा हूँ दिक्कत आ रहा है, तो मैं भी ये वीडियो कॉल सपोर्ट नहीं करता, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना। बाकी अगर ऐप का यूज करते हो आप वीडियो कॉल तो कर ही सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट डायलर से मुझे देखने को नहीं मिला, और डायलर यहाँ पे इसका खुद का है, कोई गूगल वाला डायलर नहीं है, तो इससे रिलेटेड दिक्कत भी आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, क्या कुछ आपको करना है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फोन के कंप्लीट स्विच हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। अगर आपने रिकवरी इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो रिकवरी पहले इंस्टॉल कर लेना, जैसे लाइट अप होता है पावर बटन रिलीज करेंगे वॉल्यूम आपको होल्ड किए रहेंगे, जिससे हमारा रिकवरी ओपन होगा। यहाँ पे ये रिकवरी ओपन हो गया है, इसका सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पे वाइप कर सकते हो नॉर्मल या इसे इग्नोर भी कर सकते हो, सिंपल आ जाओ इंस्टॉल के ऊपर, और यहाँ पे FW रिकमेंडेड है तो इसलिए हम सिलेक्टेड सपोर्टेड FW को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्वाइप कर देंगे, जो कि इजिली फ्लैश हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड। कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको अपने फाइल को सिलेक्ट करना है, जो कि ऑक्सीजन वैसे कलर वाइज हो सकता है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्वाइप कर देना है। इसके कंप्लीट फ्लैश होते ही सिंपल आपको बैक पे आना है, उसके बाद वाइप पे जाना है और इंस्ट्रक्शन डिलीट के आइकन पे फॉर्मेट पे जाना है, यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। जैसे ही कंप्लीट फॉर्मेट होता है आपको अब सिस्टम रिबूट करना है और विद इन फ्यू मिनट आपका बूट लोगो आ जाएगा और सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से रोम को फ्लैश करके इजिली यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।